हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो मैं जागृति अटलकर, जागृति डेवलपर से मार्केटिंग गाइस। जानिए कैसे प्रॉपर्टी डीलर बनकर आप 80,000 से 50,000 रुपए मंथली इनकम कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। एक्चुअल आई होप आपको अच्छी लगे आप सभी को। सो दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो आज के समय में लोग खुद का व्यापार करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अगर भारत में आप सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आप रियल इस्टेट एजेंट के रूप में काम करके अच्छी कमाई का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी डीलर का काम है गाइस। आई होप आपको ये जो मैं टॉपिक आज बता रही हूँ, तो इस टॉपिक में आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी ये वीडियोस, और ये उनके लिए गाइस जो न्यू रियल इस्टेट में काम करना चाहते हैं, सो थोड़ी सी गाइडनेस उनको मिल जाएगी इस वीडियो में कि आप एक रियल इस्टेट एजेंट बनकर पर मंथ कितना कमा सकते हैं। 80,000 से 50,000 रुपये आपकी पर मंथ अगर सही तरीके से आप करेंगे तो ज़रूर महीने की आप ये अर्निंग कर सकते हैं गाइस। तो रियल इस्टेट एजेंट के रूप में आप अपना व्यापार कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, ये आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी गाइस। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे गाइस तो एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर एंड तक देखते हैं और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी वीडियोज़ की आपको मिले। सो रियल इस्टेट एजेंट के रूप में व्यापार को प्रारंभ करने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट, खुद की प्रॉपर्टी को बेचने वाले लोगों की तलाश करनी है आपको। जी हाँ, इसमें बहुत से लोग हैं गाइस जो रियल इस्टेट एजेंट के रूप में मार्केट में काम करते हैं। सो अगर आप रियल इस्टेट एजेंट हैं और मार्केट में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी टीम रेडी करनी होगी। आप वो टीम रेडी कर लेते हैं गाइस तो उसके थ्रू आप उनके साथ मिल करके काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपकी मान लो सबको 10 टीम भी बन जाती है गाइस, और एक एक व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है कि इनके साथ में जुड़ के काम कर रहा हूँ तो इनकी प्रॉपर्टी को मुझे सेल करना है, तो ऐसा करके आप दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बेचने वाले लोगों की तलाश कर सकते हैं। इसमें गाइस थोड़ा सा समय लग सकता है, बट थोड़ा सा अगर आप धैर्य रखते हैं तो काफ़ी अच्छा आगे बढ़ सकते हैं गाइस, क्योंकि धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। अब यदि आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाता है तो उससे आपको बातचीत करनी है कि कौन सी ज़मीन और किस प्रकार से उसे आपका ग्राहक बेचना चाहता है, तो इन सभी विषयों पर आपको उससे जानकारी लेनी है, फिर आपको काम करना है। गाइस जो प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, मतलब सपोज कोई बिल्डर है या कोई ऐसी नॉर्मली प्लॉट कटिंग करके सेल करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, तो उनसे पूरी जानकारी लीजिए, और मार्केट में जो आप मार्केट टीम बनाएंगे उससे आप बातचीत करके उस प्रॉपर्टी की उनकी जानकारी दीजिए ताकि वो बेचने में सेल करने में आपकी हेल्प कर सके गाइस। सो ऐसा करके आप एक रियल इस्टेट एजेंट बन के काम कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी को खरीदने वाले लोगों की तलाश करनी है आपको। अब आप प्रॉपर्टी जब किसी की बेचेंगे गाइस तो जाहिर सी बात है ग्राहक की जरूरत पड़ेगी। आपको अब किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, और वह किस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपको जाननी होगी कि कस्टमर किस टाइप की प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, तो इस विषय पर भी आपको उससे आपको पूरी जानकारी लेनी है कस्टमर से, ताकि आप उसके लायक प्रॉपर्टी की तलाश कर सकें। जब आपको अपने ग्राहक के लायक प्रॉपर्टी मिल जाती है तब अब से दिखाकर इसे बेच सकते हैं, कि जैसे मानो सपोज कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं गाइस, या वैसा आप उनके लायक ढूंढ देते हैं, तो कस्टमर इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेता है कि मेरे अनुसार आपने उनके लिए प्रॉपर्टी देख रखी है। तो उसे जब आप प्रॉपर्टी दिखाएंगे और अगर आपको पसंद, मतलब कस्टमर को पसंद आ जाती है ज़मीन, तो जब डील डन हो जाता है तब आपके आपके बीच कस्टमर से और जिनकी प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं उनसे आपकी बातचीत हुई होगी कमीशन को लेकर के गाइस। तो आई होप अगर प्रॉपर्टी बिक जाती है गाइस, अगर सेल हो जाता है तो आपको दोनों पार्टियों से कमीशन मिलेगा गाइस, तो ऐसा करके आप मंथली इनकम इसमें कर सकते हैं। वह कमीशन आपको करीबन 40,000 से 50,000 80,000 तक भी हो सकता है। तो आई होप गाइस मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा करके आप मंथली इनकम कर सकते हैं गाइस। सो
बिल्कुल आप इस फॉर्मूला को अपनाइए और मार्केटिंग मार्केट में टीम बनाकर काम करिए, बहुत हेल्पफुल होगी गाइस। होप आप सभी ठीक होंगे और अपना काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो बिल्कुल गाइस, अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा जी, धन्यवाद।